नमस्कार, मैं अनुराग। आप देख रहे हैं दखल का फेसबुक लाइव। पूरे देश में इस समय एक उत्साह का माहौल है, कोरोना का संक्रमण काल, और ऐसे में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, उसको लेकर हर जगह उत्साह की खबरें आ रही हैं। और मुझे लगता है 500 सालों से भारत को कुचलने का जो एक प्रयास, एक साजिश चल रही थी, ये उसके खिलाफ हुए शंखनाद का परिणाम है। बहुत लंबा अरसा हो गया, राम जन्मभूमि आंदोलन कोई एक दिन दो दिन का नहीं है, 500 सालों से राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था। राम जन्मभूमि आंदोलन में जिस तरह से चीज़ें हुई सबको पता है, 6 दिसंबर 1992 वो दिन था कि जब राम जन्मभूमि पर बनाए गए कथित मस्जिद, उस बाबरी ढांचे को राम भक्तों ने नेस्तनाबूद कर दिया। और मुझे लगता है कि यहाँ से भारत की राजनीति भी बदली। हालांकि इसके पहले रामशिलाओं का पूजन, राम जन्मभूमि आंदोलन में आडवाणी जी की रथ यात्रा, तमाम सारी चीज़ें थी जिसने भारत की राजनीति को बदलने का काम शुरू किया। लेकिन कांग्रेस को कभी ये समझ में नहीं आया। कांग्रेस हमेशा छद्म धर्म निरपेक्षता की राजनीति करती रही। एक पत्रकार के रूप में मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस ने हमेशा एक वर्ग का साथ दिया और दूसरे वर्ग को दबाने की कोशिश की। सामान्य तौर पर सभी राजनीतिक दल ऐसा करते हैं, कांग्रेस ने किया नई बात नहीं है, क्योंकि उसके पहले उस तरह दूसरे दलों की सरकारें नहीं रहीं। लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन भारत के लिए एक मील का पत्थर है। उस दौर में भी हम खबरें कर रहे थे, शानदार खबरें की, वो अयोध्या भी देखी, उस समय की अयोध्या भी देखी, उसके बाद की अयोध्या भी देखी। राम जन्मभूमि आंदोलन पर खबरें करने के कारण लखनऊ के केसरबाग की सीबीआई की अदालत में जाके मुझे कटघरे में भी खड़ा रहना पड़ा। लेकिन पल पल एक उत्साह देश में देखा, पल पल एक आस्था देश में देखी। उत्साह और ऐसी आस्था कि जो अकल्पनीय है, जो भारत के अलावा कहीं संभव ही नहीं है, जो हिंदुस्तान के अलावा कहीं देखी नहीं जा सकती। कई लोगों ने रोड़े अटकाने की कोशिश की, चाहे वो राजनीतिक दल हों, वो कुछ कथित स्वयंसेवी संगठन हो, कुछ धार्मिक संगठन हो, कुछ एक विशेष समुदाय हो, वो नहीं चाहता था। वो भारत की ताकत को ख़त्म करना चाहते थे ये लोग भारत के अस्तित्व को मिटाना चाहते थे। बहुत साफ गोई से कहूँ तो ये वो लोग थे न जिनकी राम में आस्था थी, न जिनकी राम की भूमि में आस्था थी, न जिनकी राम के देश में आस्था थी। ये इनके इन प्रकार इस मामले को कैसे उलझाया जाए, इनको सिर्फ यही करना था, ये करते रहे। लेकिन भारत का जनमानस उद्वेलित और आंदोलित हो चुका था, जिसका विस्फोट 6 दिसंबर को देखने को मिला। फिर अदालती कार्रवाई चलती रही और सर्वोच्च न्यायालय ने जिस किस्म का फैसला सुनाया, ये भारत की अस्मिता की रक्षा करने वाला फैसला है, ये भारत को भारत बनाने वाला फैसला है। ऐसे में बीजेपी का दृढ़ संकल्प, मैं कोई बीजेपी का वर्कर नहीं हूँ, ना मेरी बीजेपी में बहुत आस्था है, लेकिन बीजेपी ने राम जन्मभूमि को अपने एजेंडे में रखा, अपने मैनिफेस्टो में रखा, अपने दृष्टिपत्र में रखा, और उनका संकल्प था कि हम राम जन्मभूमि में मंदिर का निर्माण करेंगे। कांग्रेस हमेशा इस पर सवालिया निशान लगाती थी, लेकिन तारीख भी आई, अब वो तारीख भी हो गई। ऐसे में कांग्रेस के अंदर अब दो गुट हो गए, एक दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं का गुट है जो कह रहे हैं कि साहब राम जन्मभूमि पर कोई मुहूर्त नहीं है और कैसे आप शिलान्यास कर रहे हैं वगैरह वगैरह। एक तरफ प्रियंका गांधी पत्र जारी कर रही हैं कि नहीं, राम सब सब में, राम रोम रोम में, राम हम सब में, तरह तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस जो है बड़ी कन्फ्यूज है, वो समझ नहीं पा रही वो कथित धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करे या सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आ जाए। कांग्रेस हमेशा इस मसले पर लेकर कन्फ्यूज रही और वो कन्फ्यूजन आज भी जारी है। दिग्विजय सिंह बहुत पढ़े लिखे नेता है, मध्य प्रदेश में काम करने के कारण उनको अच्छे से समझने का मौका मिला है, लेकिन राम जन्मभूमि पे उन्होंने जितनी अपनी छीछा लिदर कराई है उससे कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ है और भविष्य में भी होगा। भगवान के काम में मुहूर्त देख रहे हो आप? कोई किसी इंसान का घर नहीं बन रहा है दिग्विजय सिंह जी कि जहां मुहूर्त देखा जाए, है ना, पोथी पत्रे खोले जाए। ईश्वरी कार्य है ये ईश्वर का काम है। आप देखिए, लोगों से पूछिए, लोग आपको गालियां देते हैं आपकी इन हरकतों की वजह से। भगवान के काम में मुहूर्त, भगवान के आने का, जब इंसानों के आने जाने का नहीं काम मुहूर्तों का, शंकराचार्य जी को लेके पड़े रहे दिग्विजय सिंह जी आप। और जितने आप अपने आप को सनातनी बताते हैं
उसके बाद आपको कम से कम ये तो पता ही होगा कि दोपहर में एक वक्त अभिजीत मुहूर्त आता है, पोथी पत्र पढ़ लीजिएगा, सब लिखा हुआ है उसमें। उसी अभिजीत मुहूर्त में राम जन्मभूमि पर शिलान्यास हो रहा है। लेकिन क्या है, आपको वोटों की राजनीति करनी है, आपको तिलक और टोपी के अंतर करने हैं, आप जैसा सनातनी बताते हैं वैसे है नहीं, इसलिए सारा कन्फ्यूज़न है। आपने खूब कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन आपकी ना किसी ने सुनी ना किसी ने मानी, और जब जब आप ऐसी हरकतें करते हैं कोई आपकी मानता भी नहीं है। मैं भी आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, राजनीति में आप बड़े भारी महारथी हैं, लेकिन जब धर्म की बात आती है तब तब आप मात खाते हैं। और आपका राम जी से काय का बैर हो रहा है, कोई शुभ कार्य तो होने दीजिए, क्यों अपनी टांग अड़ा रहे हो आप? लेकिन आपका मसला है, टांग अड़ाना आपकी आदत है, ऐसे मसलों में आप एक खास किस्म के वोट बैंक की राजनीति करते हैं, इसलिए आपको ये करना है, आप कीजिए, आपको मुबारक, लेकिन जनता और लोग आपको जवाब दे रहे हैं। पूरी कांग्रेस भयंकर कंफ्यूज राम जन्मभूमि के मसले पर हमेशा से कंफ्यूज रही। हिंदुओं का मसला जब जब आया तब तब पूरी कांग्रेस कंफ्यूज रही। कभी सोचा ही नहीं कि जो देश में बहुसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा की जाए, उनके बारे में सोचा जाए। फिर तो जिनको आप अल्पसंख्यक कहते हैं वो भी अल्पसंख्यक नहीं रह गए, हमेशा आपने वोट बैंक की तरह उनको यूज़ किया। भारत के आज़ाद होने से लेके अब तक, जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा रियासतें किसकी थी, किसकी संख्या ज़्यादा थी, कौन लोग थे, आपने किनको अल्पसंख्यक बना दिया, किनको बनना चाहिए था, तो क्या कांग्रेस ने किया क्या नहीं। लेकिन जब राम जी का मसला आता है तो राम इस देश की शान है, राम इस देश की जान है, राम देश के रोम रोम में बसे हुए हैं। और बड़ा मोटा सवाल है, बड़ी मोटी बुद्धि का सवाल है, अयोध्या में अगर राम मंदिर नहीं बनेगा तो कहां बनाओगे? भगवान राम की जन्मभूमि पर अगर मंदिर नहीं बनेगा तो वहां मस्जिद बनेगी। अगर वहां किसी ने दुस्साहस किया था तो उसको माकूल जवाब 1992 में मिल गया है, और उसी समय मंदिर का छोटा सा टूटा फूटा जो भी निर्माण था, रामलला विराजमान है, रामलला विराजमान थे, और किसी नेता और किसी कांग्रेस की ताकत नहीं है कि जो उनको दाएं से बाएं भी कर सके, किसी नेता और किसी कांग्रेस की, किसी बीजेपी की, ये राम काज है। और तमाम लोग इस देश में ऐसे हैं जिन्हें राम काज किए बिना विश्राम मिलता ही नहीं है, तमाम लोग कालकल्वित हो गए इस आंदोलन के लिए, तमाम लोग चले गए, लेकिन अच्छा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है, देश की अस्मिता का काम हो रहा है, तो उसमें टांग ना अड़ाएं, उसमें राजनीति ना लाएं। अब देश में नए किस्म की राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ है 1992 के बाद। आप देखिए अटल जी की सरकार बनी, वो इसी वजह से बनी थी, 13 दिन 13 महीने, फिर 5 साल, फिर कांग्रेस की सरकार आई, फिर मोदी आए बहुमत के साथ, फिर मोदी आए प्रचंड बहुमत के साथ, तो इसके पीछे यही एजेंडा था। बीजेपी ने अपनी ताकत बढ़ाई, कांग्रेस ने ऐसे ऐसे काम किए कि उसने अपनी ताकत खत्म की, और लगातार कुछ नेता कांग्रेस के अब भी इस तरह के प्रयासों में लगे हैं कि वो कांग्रेस को नेस्तनाबूद करके ही मानेंगे, या कसम खा के आएँ कि जब तक हम कांग्रेस को मटियामेट नहीं कर लेंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप पता नहीं सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी किस तरह से इन चीज़ों को लेते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वो देश की धड़कन, देश की नब्ज, देश के लोगों का मिजाज नहीं समझ पा रहा है। बड़ा दुर्भाग्य है, जो बुजुर्ग नेता है मुझे तो लगता है उनको अब एक तरफ कांग्रेस को कर देना चाहिए और युवा नेतृत्व सामने लाना चाहिए, तभी कांग्रेस जो है कुछ कर पाएगी, नहीं तो तमाम किस्म के जो बंटा ढार हैं वो इसी तरह कांग्रेस का बंटा ढार करते रहेंगे। फिलहाल तो सबको जय सिया राम, नमस्कार। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।